it is, however, very important for us to eat the right amount and kind, right kind of food. लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम राइट अमाउंट में और राइट काइंड का फूड खाएं. फूड कैन बी क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग टाइप्स. फूड इस तरह से डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड वो फूड होते हैं जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है ताकि हम वर्क कर सकें. ठीक है, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है वो हमें इन्हीं से मिलती है. ठीक है, राइस, व्हीट, नट्स, शुगर एंड पोटैटोज कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. राइस, व्हीट, नट्स, शुगर्स एंड पोटैटोज, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. दे आर एनर्जी गिविंग फूड. ये सब क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड होता है. ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर. सबसे सिंपल शुगर जो होता है वो होता है ग्लूकोज. इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी. ये एकदम से एनर्जी देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको थक कर बाहर से आते हो तो आपकी मदर आपको ग्लूकॉन डी देती हैं क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है और वो जल्दी से आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसी वजह से मम्मा आपको ग्लूकोज देती है. नेक्स्ट, मिल्क, बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल्स एंड मीट कंटेन फैट्स. जो मिल्क होता है, बटर होता है, घी होता है और ऑयल्स होते हैं और मीट भी, उनमें फैट्स होता है. इन सब में क्या होता है? फैट होते हैं. फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर बोथ एनर्जी गिविंग फूड बट फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. सो आपके जो फैट होते हैं चाहे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये दोनों आपके एनर्जी गिविंग फूड होते हैं. लेकिन जो आपको ज़्यादा एनर्जी देता है वो होता है आपका फैट. इफ़ वी कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट in excess quantities, then the fat is deposited in our body under the skin. अगर हम बहुत ज़्यादा amount में carbohydrate और fat खाते हैं तो जो fat होता है वो हमारी skin के नीचे जमा हो जाता है. A little bit of extra fat is useful as it serves as a food reserve, but too much of the fat makes us unhealthy. अगर थोड़े अमाउंट में हमारा फैट जमा हो रहा है तो वो हमारा रिजर्व फूड की तरह यूज़ होगा. जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारे यूज़ में आएगा. लेकिन अगर हमने ज़्यादा अमाउंट में उसे स्टोर करना स्टार्ट कर दिया देन इट विल मेक आवर बॉडी अनहेल्दी. ये हमें अनहेल्दी बना देगा. टू रिमेन हेल्दी वी शुड कंज्यूम द राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट. तो हेल्दी रहने के लिए हमें एक राइट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को लेना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी गिविंग फूड. हमने बात की एनर्जी गिविंग फूड की, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. सेकेंड टाइप इज बॉडी बिल्डिंग फूड. अब हम बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग फूड की. प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करने वाले हमारे प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन इज अ न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द ह्यूमन बॉडी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है, एक तो ग्रोथ के लिए, अपने आप को हाइट को बढ़ाने के लिए, हमारी हेल्थ को अच्छी करने के लिए और हमारे मेंटेनेंस के लिए, हमारे मेंटेन करने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास प्रोटीन की कमी हुई तो आप को कैसे हो सकता है? आप भी को पतले से हो सकते हो, आपकी हाइट बढ़ना रुक सकती है, तो आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते. चिल्ड्रन रिक्वायर्स अ गुड सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर आपके एज के भी बच्चे होते हैं उनको एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होता है. मीट, एग्स एंड फिश आर सोर्सेज ऑफ कंप्लीट प्रोटीन. मीट होता है, एग होता है, फिश होता है, ये सभी आपको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं. मिल्क एंड मिल्क डिराइव्ड फूड आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. मिल्क और मिल्क डिराइव्ड मीन्स जो मिल्क से मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कर्ड, योर टोफू, योर चीज, योर कॉटेज चीज, ये सब आपको प्रोटीन प्रोवाइड करता है. For vegetarians, sources of proteins are pulses and legumes, which include soya beans, lentils, kidney beans, white beans, chickpeas and cowpeas. So, जो आपके वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो
मीट एग नहीं खाते हैं, इसलिए उनके लिए सबसे अच्छा होता है कि वो दालें खाएं, फलियां खाएं, जैसे आपकी बीन्स की होती हैं, दाल खाएं, उड़द की दाल, आपकी तूर की दाल, ये सारी दाल खाएं, ठीक है, राजमा खाएं, छोले खाएं, इनमें बहुत अमाउंट में क्या होती है, प्रोटीन होती है। नट्स, सीड ऑफ फ्रूट्स, एलमंड्स, वॉलनट, पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स आर ऑल्सो रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। बाकी जो हम नट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, एलमंड खाते हैं हम लोग, है ना, पम्पकिन सीड्स खाते हैं, वॉलनट्स खाते हैं, इनमें भी बहुत अच्छे अमाउंट में आपको प्रोटीन मिलता है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू टिल हियर। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फूड दैट सप्लीमेंट ग्रोथ, ठीक है, जो सप्लीमेंट्री ग्रोथ के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, उन फूड के बारे में बात करेंगे। विद दिस क्लास एंड हियर आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।